किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले अपने पैर या फुटवेयर साफ रखना एक अच्छी आदत होती है। भारत में हर घर के सामने या प्रवेश द्वार पर एक तो डोरमैट आसानी से दिखाई पड़ती है। इसमें कॉटन या कपड़े से बने डोरमैट्स की लोगों को ज़्यादा मांग होती है। कॉटन डोरमैट्स सस्ते और टिकाऊ होते हैं, साथ में एक सुरक्षित सतह भी प्रदान करते हैं। यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है कॉटन डोरमैट मेकिंग बिजनेस पर एक डॉक्यूमेंट्री, जिसमें इस व्यवसाय से जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी। रॉ मटेरियल, कॉटन डोर मैट्स बनाने के लिए वेस्ट कपड़ों के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सिलाई के लिए अलग अलग कलर के धागे का भी इस्तेमाल होता है। मशीन्स, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हैंडलूम मशीन का उपयोग किया जाता है, साथ ही सिलाई के लिए लगने वाले उपकरणों की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेस, सबसे पहले आवश्यक धागे को डिज़ाइन के अनुसार पावरलूम मशीन पे लोड करते हैं, फिर वेस्ट कपड़ों से बनी पतली पट्टियों को मशीन के जरिए सिलाया जाता है, जो कि एक क्रॉस स्टिचिंग का प्रकार है। इसमें धागों के बीच में पट्टियां डालते हैं और लेयर बाय लेयर डिजाइन की मैट बुनी जाती है। रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग साइज और डिजाइन की मैट बनाई जा सकती है। अंत में इन मैट्स को मशीन से निकाल कर एक्स्ट्रा धागे काट देते हैं और बचे हुए धागों की हाथ से गार्ड बांधी जाती है। तैयार मैट्स को मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार आज हमने कॉटन डोर मैट मेकिंग बिजनेस की जानकारी ली। इस व्यवसाय के लिए लगने वाली किसी भी मशीन या रॉ मटेरियल के लिए आप स्क्रीन पर दिए दोनों वेबसाइट को विजिट करके नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।